तो कली पुरुष जो सर्वशक्तिमान होगा, अपने आप में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, एक ऐसा राक्षस जिसके पापों की, जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होगी, उससे लड़ने के लिए 64 कलाओं से युक्त भगवान के मानव रूपी अवतार को जन्म लेना पड़ेगा। सप्त चिरंजीवियों के जीवित रहने की भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं कि वहाँ पे है, कि किसी ने कहा उनको देखा है, किसी ने कहा कि उनको नहीं देखा है, कोई कहता है कि वो जब तक हैं, जब तक कि कल्कि भगवान नहीं आ जाते, कल्कि भगवान को पुराणों के अनुसार कहा गया है कि भगवान श्री परशुराम कल्कि भगवानों को अस्त्र शस्त्र और विद्या का ज्ञान प्रदान करने के लिए रुके हुए हैं, भगवान हनुमान उनकी सहायता करने के लिए रुके हुए हैं और अश्वत्थामा भी उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार की बहुत सारी लोक कथाएँ जगह जगह पर प्रचलित हैं। हम इन कथाओं को जितना ज़्यादा सुनते हैं, हम लोगों की रुचि उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इन कथाओं को सुनने के बाद में हमारे कल्कि भगवान के प्रति मन के अंदर वो जो हम कल्कि भगवान का आदर, उनको पाने की चाह हमारे मन के अंदर ऐसी जागृत होती है कि हम उसको किसी भी प्रकार से अपने से दूर नहीं कर पाते। तो अभी बढ़ता हुआ पाप क्या उस चरम सीमा पर पहुँच गया है कलयुग में, जो कल्कि भगवान को बुलाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, या अभी भी आने वाले समय के अंदर हम लोगों को इस कलयुग के समय में बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर हम कई शास्त्रों की बात करते हैं तो कलयुग अपने अंतिम दौर पर चल रहा है। अगर हम बैठी नियति और नियम के पालन करने वाले कई लोगों की बात करते हैं तो उनके अनुसार 432,000 साल का कलयुग है, जिसमें से अभी 5,000 कुछ वर्ष ही बीते हैं। तो क्या सच्चाई है, क्या लोक कथाएं कहती हैं, क्या ज्ञान कहता है, इसके बारे में आप और हम जितना खोजे उतना ही कम है। तो इसके बारे में जानना, मेरे हिसाब से कोई भी लोग कितना ही प्रयास करें वो जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भगवान की माया है और इस माया को केवल स्वयं प्रभु ही जान सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो कल्कि भगवान के उन रहस्यों के ऊपर होने वाला है, जिन रहस्यों के बारे में जानने के लिए हर किसी के मन में इच्छा उठती है। एक ऐसी अवतार जिसको पाने के लिए, जिसको जानने के लिए लोगों के मन में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि जितना भी कोशिश कर लें उनकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है। तो आज इन्हीं सभी पहलुओं से मैं आज गुत्थी को सुलझाने वाला हूं और आप लोगों के सामने कल्कि भगवान के वो रहस्यों को उजागर करने वाला हूं, जो रहस्य जीवित रूप में ये प्रमाण देते हैं कि कल्कि अवतार आने वाले हैं इस कलयुग के अंत में। कल्कि अवतार एक ऐसा अवतार जो 64 कलाओं से युक्त होगा, मतलब दुनिया के अंदर सभी प्रकार की जितनी भी नियति नियम पालन शक्तियाँ होती हैं उन सभी से वो युक्त होंगे और उनको मानव रूप के अंदर इस धरा के ऊपर अवतरित होंगे और एक ऐसे विकराल राक्षस से युद्ध करेंगे जिसे कली पुरुष कहा जाता है। कली पुरुष एक ऐसा पुरुष है जो सतयुग के प्रमाण से, मतलब उसके प्रमाण सतयुग के समय से मिल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी शक्तियों को अर्जित कर कर इस दुनिया के अंदर तबाही का, परले का, पाप का रूप बढ़ाता जा रहा है। कली पुरुष के लिए कहा जाता है कि वो हर किसी मनुष्य के भ्रम पे, किसी बुद्धि पे और दिमाग पे इस प्रकार से अग्रसर होकर बैठा हुआ है कि उसने मनुष्य को सोचने और समझने की शक्ति से क्षीण कर दिया है। और इस प्रकार के राक्षस से कली भगवान का युद्ध करना आने वाले टाइम को एक बहुत बड़े प्रमाणों के साथ में हम लोगों को दिखाता है। वो प्रमाण हमारे ग्रंथों में नहीं, इस धरा पर ही मौजूद है। पहला प्रमाण जिसको ये कहा जाता है कि जब कल्कि भगवान आएंगे तो उनका घोड़ा जीवित हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल्कि टेम्पल जयपुर की। कल्कि टेम्पल जयपुर के अंदर एक ऐसी मूर्ति है जिस मूर्ति के पैर के अंदर एक घाव का निशान है और मार्बल की बनी उस मूर्ति के घाव का निशान दिन प्रतिदिन लोगों के कहने के अनुसार ठीक होता जा रहा है। और ऐसी कथाएं और लोक कथाएं भी प्रचलित हैं वहाँ पर कि जब ये निशान ठीक हो जाएगा तब कल्कि भगवान के आने का समय निश्चित हो जाएगा और ये घोड़ा कल्कि भगवान के घोड़े के रूप में खुद से जागृत हो जाएगा। तो दूसरा प्रमाण, अगर मैं दूसरे प्रमाण की बात करता हूँ तो दूसरा प्रमाण वो प्रमाण जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में कहा जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में हर कोई जानता है,
उसके सातों दरवाजों की कहानी भी हर किसी को व्यक्ति को पता है। छह दरवाजे जब खोलने का प्रयास गवर्नमेंट ने किया तो बहुत कुछ उन लोगों को देखने को मिला। वहाँ के मुख्य पुजारी की मृत्यु हो गई, कईयों के एक्सीडेंट हुए, कईयों के घर में बीमारियाँ आईं, कई समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी कारण से सातवें डोर को, जिसके ऊपर कोई भी ताले या चाबी का निशान नहीं है, एक ऐसा दरवाजा जिसके ऊपर सर्पों से बांधा हुआ है और सर्प उसकी रक्षा करते हैं, जब उस दरवाजे पे कान लगाते हैं तो शीर सागर जैसी सागर की आवाज़ सुनाई देती है। ये भी कहा जाता है कि इस दरवाजे के खुलने से इस दुनिया के अंदर शीर सागर का जल यहाँ तक आ जाएगा और चारों ओर तबाही मच जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे इतनी अपार संपत्ति है कि जिसको अगर पा लिया तो इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा संपत्ति वहीं से ही निकलेगी। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि वहाँ पे ऐसे शक्ति अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं कि जो नॉर्मल आदमी को अगर किसी को मिल गए तो वो सर्वशक्तिमान बन जाएगा, और इसको खोलने के लिए केवल और केवल एक ऐसे सन्यासी को, एक ऐसे योगी पुरुष को अपनी शक्तियां अर्जित करके ध्यान लगाकर उस दरवाजे को खोल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर मंत्रों से ताला लगा रखा है। तो ये दूसरा प्रमाण जो इसके अंदर मिलता है हम लोगों को। तीसरा प्रमाण, कहा जाता है मथन एक ऐसी जगह जहाँ पर हर 41 साल के बाद में हनुमान जी स्वयं वानर रूप के अंदर आते हैं या किसी ना किसी रूप में आते हैं और वहाँ के रहने वाले गांव के लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। अब इस बारे में कई लोग कथाएं प्रचलित हैं, कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कथाओं पुराणों की अगर हम बात माने, साइंटिस्टों ने जो रिसर्च करी है उनकी बात माने, तो ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि हकीकत में हर 41 साल के अंदर भगवान खुद वहाँ पर आते हैं और हनुमान जी वहाँ पर आके उन लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन हकीकत में आते हैं। चौथा प्रमाण, एक ऐसा प्रमाण जिसको आप और हम लोग सभी जानते हैं, जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक ऐसा ब्रह्म पदार्थ रखा हुआ है जिसको कहा जाता है जब कल्कि भगवान आएंगे तो उस ब्रह्म पदार्थ को वो ले लेंगे। उस ब्रह्म पदार्थ के अंदर इतनी अपार शक्ति है कि नॉर्मल मनुष्य उसको छू भी नहीं सकते। तो एक अलौकिक पुरुष, एक ऐसा अवतार जो इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के पापों को मिटाने के लिए, इस दुनिया के अंदर सारे कलों को, सारी चीज बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आएगा, केवल वो ही उस ब्रह्म पदार्थ को पा सकता है। तो श्री कृष्ण के मरने के बाद में, श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद में, श्री कृष्ण ने अपने दिल को, जिसको ब्रह्म पदार्थ के रूप में माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण का देह है, दिल है, जो कि जगन्नाथ जी के दिल के अंदर रखा जाता है, जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर हर बार रखा जाता है। तो इस प्रक्रिया को भी एक अलौकिक चमत्कार आप और हम लोग मान सकते हैं। इसके बाद में एक ऐसे अस्त्र शस्त्र जिसके बारे में दुनिया परिकल्पना कर रही है, दुनिया ये मान रही है कि हाँ अगर वो किसी ने पा लिए तो जिस प्रकार से दुनिया के अंदर महाभारत के युद्ध को बदलने की पूर्ण रूप से तैयारी कर्ण कर चुका था और कर्ण के अंदर इतनी अपार शक्ति थी कि वो उस युद्ध को बदल सकता था, जिसको धोखे से इंद्र ने उसके कर्ण और कवच को लेकर उस युद्ध के परिणामों को बदलने का सारी की सारी सहायता भगवान की थी, तो वो कर्ण और कवच कोणार्क के मंदिर में रखी हुई हैं, ऐसी लोक कथाएं प्रचलित हैं। मंदिर में होने के बाद भी उस मंदिर को बंद कर रखा है, सरकार भी उसको खोलने का प्रयास नहीं करती। सरकार भी ये बात कहती है कि वहाँ पे एक अद्भुत शक्ति है और सबसे पहले सूर्य की किरण भी उसी जगह पर पड़ती है, तो शायद वो हो सकता है कि कर्ण और के कुंडल और कवच के कारण वहाँ पे सबसे पहले किरण पड़ती हो, और एक अलौकिक शक्ति को पाके अलौकिक कवच और अलौकिक कुंडल को पाने की क्षमता केवल और केवल कल्कि अवतार के अंदर ही हो। इसके बाद में बद्रीनाथ टेम्पल, जहाँ पे शंख ना बजाने की कथा प्रचलित है। अगर साइंटिस्टों की बात मानते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर वहाँ पे शंख बजाया तो बर्फ का तूफान आ जाएगा, पहाड़ों के अंदर कंपन होने के कारण एवलांच हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ पे बर्फ नहीं होती तब भी वहाँ पे शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि दो राक्षस, पितापी और अभितापी नाम के दो राक्षस,
उस शंख के अंदर विराजमान है, अगर वो शंख बजा तो वहाँ पे वो राक्षस जिंदा हो जाएंगे, और जिनके माँ मंदाग्नि नदी के प्रयास के साथ में मिलकर प्रभु ने उनको बांधित किया था, उनको बांध दिया था शंख के अंदर, अगर वो जीवित हो गए तो इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा कोहराम मचाएंगे। तो ऐसी और भी कथाएं, और भी प्रचलित चीज़ें मैं आपके पास में वीडियोज़ के माध्यम से लेके आता रहूँगा। आज कल की भगवान के जीवित चीज़ों के बारे में जो 6 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोगों को भी यकीन है कि हकीकत में ऐसा होने वाला है तो मुझे कमेंट करके और बताइएगा। जय श्री कल्कि, जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर।